हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। कैसे हैं दोस्तों? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे जहाँ पर भी होंगे। चलिए दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है झारखंड के कोई भी एग्जाम देने वाले थे, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। फुल फॉर्म टाइप में है, इसका स्थापना वर्ष भी देखेंगे, इसका फुल फॉर्म देखने वाले, ठीक है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों, एक एक क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम एक एक क्वेश्चन को लेकर चल रहे हैं और इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर चल रहे हैं, ये नहीं कि कुछ भी उठा करा देंगे। इसलिए आप रेगुलर बेसिस पर हमारे वीडियो को देख रहे होंगे तो कहीं ना कहीं आपको जरूरी फायदा होने वाला, चाहे आप JSSC CGL दीजिए, फिर झारखंड कोई भी एग्जाम दीजिए जहाँ झारखंड का सिलेबस हो, झारखंड सिलेबस हो, कोई भी एग्जाम हो, JPSC हो, JSSC का हो, या फिर टीचर वाला कोई भी वैकेंसी हो, वहाँ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप देख लीजिए उठा के यहाँ से, ठीक है? तो इसलिए बहुत बेहतरीन तरीका से कंटेंट कराया जा रहा है दोस्तों, और फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे जुड़ी हमारे चैनल के साथ, और सब चीज़ पेपर 3 खासकर CGL का पेपर 3 फ्री ऑफ कॉस्ट में पूरा चीज़ करवा रहे हैं, पूरा पेपर को क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवा रहे हैं। जिनका तैयारी पहले से पढ़ रखे हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा बल्ले बल्ले है, और जो एकदम नए हैं तो उसको थ्योरी वगैरह पढ़ना पड़ेगा, तभी फायदा करेगा इस यूट्यूब चैनल, ठीक है? जो थोड़ा बहुत पढ़ लिया उसको फायदा है, और नया बच्चे जो एकदम ताज़ा ताज़ा पढ़ना चाह रहा है उसके लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आपको लास्ट में आपको क्वेश्चन ही काम आता है, आपको पता ही होगा, ठीक है? थ्योरी कितना भी पढ़ लीजिए, जब तक क्वेश्चन नहीं लगाइए तब तक आपका एग्जाम नहीं निकलने वाला है। और हम लोग बहुत दिन ऐसे क्वेश्चन लगभग 5-6 महीने से रेगुलर बेसिस पे काम कर रहे हैं, लगभग 700 से 800 वीडियो, हमें लगता है 1100 वीडियो डाले होंगे, उसमें से 500-600 तो CGL का वीडियो डाल दिए हैं, ठीक है? चलिए तो हम लोग करते हैं आज का फुल फॉर्म जो है सो, ठीक है? चलिए सबसे पहले JMM का फुल फॉर्म, क्योंकि झारखंड सरकार में इसी का पार्ट सरकार, इसलिए पूछ सकता है झारखंड मुक्ति मोर्चा, ये नहीं पूछेगा, इसका पूछेगा स्थापना वर्ष कब हुआ था, ठीक है? तो याद रखना है 4 फरवरी कब हुआ था, बताइए 4 फरवरी 1973, याद रखना, ये पूरा याद रखना, ये नहीं 1973 नहीं याद रखना, 4 फरवरी भी याद रखना है, कब? 4 फरवरी 1973 याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी का सरकार अभी है, शिबू सोरेन इसका संस्थापक थे, संस्थापक याद रखना, ठीक है? चलिए एक JBM का भी सवाल पूछ सकता है, ये JBM आपको पता ही होगा, झारखंड विकास मोर्चा जिसका बाबूलाल मरांडी जी थे, अभी BJP में शामिल हो गया, हो सकता है पूछ दे इसका कंघी छाप है, ठीक है? याद रखना आपको क्या छाप था, झारखंड विकास मोर्चा कंघी छाप था, और ये 2006 में इसका पार्टी बना था, कब दे अच्छे, पहले तो देखिए बाबूलाल मरांडी पहले BJP से मुख्यमंत्री बने थे, फिर लास्ट में अपना पार्टी बना लिया था 2006 में, फिर बाद में अभी चल गया, फिर BJP में चला गया, ठीक है? तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है? इसका संस्थापक बाबूलाल मरांडी जी थे, झारखंड विकास मोर्चा, और 2006 याद रखना आपको, कब? 2006, कब दोस्तों? 24 सितंबर 2006, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहे दोस्तों, शायद ही आपको मिलने वाला यूट्यूब में ये सब चीज़, 24 अक्टूबर 2006 याद रखना है, झारखंड विकास मोर्चा। और जो क्वेश्चन पूछा हुआ है यहाँ पे कि झारखंड जो पहला मुख्यमंत्री था वो किस पार्टी से बना हुआ था, तो अक्सर लोगों को लगता था कि झारखंड विकास ये BJM से था, नहीं दोस्तों, उस BJP का टाइम था, उस टाइम पे BJP से ही बना था मुख्यमंत्री, फिर लास्ट में 2006 में अपना पार्टी बनाया, फिर अभी पिछले साल 19-20 में पता नहीं कब अब वाले चुनाव में साथ हो गया, तो उसके साथ और कुछ नहीं। आजसू, ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन इसका फुल फॉर्म है, और इसका सुदेश महतो जी हैं, सूर्य सिंह बैसरा जी भी हैं, ठीक है? इसका डेट पूछेगा आपको तो 1986 तो सभी को याद होता है, ठीक है? लेकिन आपको 24 जून भी याद रखना है, 22 जून होता है, 24 नहीं 22 जून, ठीक है? 22 जून 1986, ये JBM का इसका केला छाप है, इसका 22 जून 1986, JMM का कितना है 4 फरवरी 1973, और आजसू का क्या है 22 जून 1986, ठीक है? तो ये सब चीज़ इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए जैप का फुलफॉर्म पूछ सकता है, झारखंड आर्म फोर्स है, इसमें कोई ज़्यादा बड़ा चीज़ नहीं है, झारखंड आर्म पुलिस, JMP का झारखंड मिलिट्री पुलिस, JMP का झारखंड मिलिट्री पुलिस, ठीक है? झारखंड मिलिट्री पुलिस जैप, देखिए कहाँ JAP है, इसका स्थापना 2003 में हुआ था, याद रखिएगा 2003 में, ठीक है? चलिए JAC झारखंड एकेडमिक काउंसिल, जैक जिसको बोलते हैं, ठीक है? चलिए JCE ECB झारखंड कंबाइंड इंट्रेंस कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन, ये सब बोर्ड सब नहीं आ गया, फिर भी एक बार देख लीजिए क्या पता देती है, झारखंड कंबाइंड इंट्रेंस कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन बोर्ड, झारखंड कंबाइंड इंट्रेंस कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन बोर्ड, BIT में इसका नाम सुने होंगे आप लोग, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, क्या है? बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, देखो जो कब इसका स्थापना तो 1955 रांची में, BIT मिश्रा नाम सुने हैं 1955, देखो दोस्तों BIT सिंदरी है, ठीक है? एक BIT सिंदरी है और एक BIT मेसरा है, याद रखिएगा BIT में BIT मेसरा में जो बी है ना वो बिरला होता है, यहाँ पे
बिरला, और बीआरटी सिंध में बी है सो बिरसा होता है, यहाँ पे याद कन्फ्यूज मत होइएगा। हो सके आप लोग इस सब बी से पढ़ के जाइए, फुल फॉर्म इसका पूछ दिया तब मार्क आ जाएगा गलती, और ऑप्शन दोनों मिलेगा आपको। बीआईटी मिश्रा वाला में क्या प्राइवेट कंपनी है, तो बिरला आ देखना, बिरला प्राइवेट कंपनी आपको आ देखना। और देखिए बिरसा बीआईटी सिंध जो सरकारी है, तो सरकारी मतलब बिरसा मुंडा वाला काम होगा, ठीक है, तो बिरसा बी से वहाँ पर होगा। चलिए आर आई एन पी एस रिमपस रिनपस क्या बोलते हैं रिनपास जो भी बोल लीजिए आप लोग, ठीक है। रिनपास मतलब रांची इंस्टीट्यूट ऑफ, ये क्वेश्चन आया हुआ है, रांची इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो सेक्रेटरी एंड एलाइड साइंस। रिमपस क्या है? रांची इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो सेक्रेटरी एंड एलाइड साइंस, रांची इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो सेक्रेटरी एंड एलाइड साइंस, रांची इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो सेक्रेटरी एंड एलाइड साइंस, याद रखना रिनपास का ये। और इसका स्थापना हुआ था दोस्तों कब हुआ था बताइए, बहुत पुराना ये, 1925 में ही हुआ था। कब हुआ था? 1925 में हुआ था, याद रखना है रिनपास, रांची इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो सेक्रेटरी एंड एलाइड साइंस, 1925 में इसका स्थापना हुआ था। चलिए बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इसका फुल फॉर्म है, ठीक है, बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इसका फुल फॉर्म है। आगे टी आर आई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट TRI, ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, मतलब इसका स्थापना वर्ष कब हुआ था? TRI का स्थापना वर्ष 2006 में, जब JBM का सरकार जब पार्टी बनाया था झारखंड विकास मोर्चा, उस समय पे इसका ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट का बनाया गया था, जो कि 2006 में बना था, ठीक है। चलिए XIESS कल बता चुके हैं, CM एक था लेबर वाला था, और एक डबल एस एस मतलब JBR इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सर्विस का फुल फॉर्म पूछा हुआ है, ठीक है। एक होता है XIESS होता है, जिसका JBR इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर, ये लेबर करके आता है, लेबर फॉर सोशल सर्विस होता है, ठीक है, लेबर से बता चुके जमशेदपुर में। और XIESS क्या है? JBR इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सर्विस, ये रांची में, ठीक है, रांची में इसका स्थापना कब हुआ दोस्तों? 1955 में हुआ था। और लेबर वाला कितना था? 1949 में हुआ था याद है, लेबर वाला जो जमशेदपुर में, ये बता चुके हैं, ठीक है। DVC दामोदर वैली कॉरपोरेशन 1948, दामोदर वैली कॉरपोरेशन 1948, JAS झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, ठीक है, झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। चलिए ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से सवाल बनता है, 15 नंबर, इसको बहुत कुछ अच्छा से बताना है इसको। JSCA झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन, ठीक है दोस्तों। चलिए इसका देखिए, इसमें जब स्टेडियम बना था तो इसका क्या बोलते हैं, जब कब बना था इसका, देखिए याद रखिएगा, जो ये बना था दोस्तों कब, 2011 में बना था, ठीक है, इस्टेब्लिश हुआ था 2011 में, दिमाग में रखना है, इस्टेब्लिश पूछेगा तो 2011 मानना है आपको, ठीक है। अच्छा इनोग्रेशन बोलेगा, इसका इनोग्रेशन कब किया गया था, इनोग्रेशन कब किया गया दोस्तों? 2013 में, याद रखिएगा। देखिए इस्टेब्लिश 2011 में हुआ था, इनोग्रेशन हुआ था 2013 में, और ये पूछेगा कि ICC के द्वारा इसका मान्यता प्राप्त कब मिला था, तो 2012 में। तीन क्वेश्चन यहाँ से, तीनों देखिएगा क्या पूछा हुआ है कल, और ऑप्शन देखिए तीनों दिया रहेगा। ये JPSC का पिछला बार जो 7-10 जब फिर हुआ था उसमें क्वेश्चन आया हुआ था ये क्वेश्चन, अब इस्टेब्लिश पूछा था कि इनोग्रेशन क्या पता, लेकिन एक ऑप्शन था, लेकिन ऑप्शन दोनों था, अब 2011 सही था 2013, लेकिन पता नहीं JPSC क्या सही माना था, हमें पता नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन आया हुआ था, हमें पता है, देखे इस क्वेश्चन को देखे हुए हम, ठीक है। तो इस्टेब्लिश 2011 में हुआ था, ठीक है, और इनोग्रेशन जो होता 2013 में हुआ था, ठीक है, और जो ICC के द्वारा जो मान्यता प्राप्त था 2012 में मिला था। तीन सवाल यहाँ होना चाहिए। चलिए और जो इसमें नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक है, नॉर्थ ब्लॉक में किसका नाम से पूछ देता है कि नॉर्थ ब्लॉक किसके नाम से है, तो क्या नाम इसका, अमिताभ चौधरी के नाम से, किसका, अमिताभ चौधरी के नाम से नॉर्थ ब्लॉक है। और साउथ ब्लॉक किसके नाम से है, तो साउथ ब्लॉक धोनी के नाम से, ठीक है, MS धोनी याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा हुआ है MS धोनी वाला, MS धोनी साउथ ब्लॉक, कैसे याद रखिएगा, MS धोनी जो IPL मैच खेलता है कहाँ, कौन सा टीम से खेलता है, साउथ इंडिया की टीम से खेलता है कि नहीं, चेन्नई से, साउथ इंडिया, तो साउथ से याद रखिएगा, साउथ इंडिया और साउथ से धोनी, साउथ इंडिया साउथ से धोनी याद रखेगा, दिमाग क्लिक कर जाएगा, ठीक है। चलिए इसे पूछा हुआ एक और क्वेश्चन है कि इंडिया यहाँ पे पहला टेस्ट मैच कब खेला गया था, बताइए पहला टेस्ट मैच कब खेला गया था दोस्तों, याद रखना 2017 में, पहला टेस्ट मैच जो खेला था 2017 में खेला गया था, इंडिया और इंडिया वर्सेस किसके बीच में खेला गया था, ऑस्ट्रेलिया, टेस्ट में इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया, देखिए ठीक, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में बीच में 2017 में इस स्टेडियम में पहला टेस्ट मैच हुआ था 2017 में, और लास्ट टेस्ट मैच हुआ था 2019 में इंडिया वर्सेज साउथ अफ्रीका, याद रखिएगा। क्वेश्चन क्या बोले, टेस्ट मैच के बारे में पूछ देगा कि JSCA स्टेडियम में टेस्ट मैच पहला कब हुआ था, 2017 में, किसके बीच में, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, और अंतिम मैच हुआ था इंडिया साउथ अफ्रीका 2019, ये नहीं पूछेगा, ये नहीं पूछने वाला, ठीक है। चलिए ODI भी पूछ सकता है, ये तो टेस्ट मैच हो गया, ODI बताइए, ODI वनडे मैच जो होता है,
अरे कब हुआ था पहली बार? तो पहली बार वनडे जो हुआ था दोस्तों 2013 में हुआ था। कब हुआ था? 2013 में पहला वनडे हुआ था। किसके बीच में बताइए? इंडिया और इंग्लैंड, इंडिया और इंग्लैंड के बीच में, याद रखिएगा, इंडिया और इंग्लैंड के बीच में पहला यहाँ पर वनडे मैच हुआ था 2013 ईस्वी में। अच्छा, लास्ट कब हुआ था यहाँ पर मैच? 2022 में हुआ था, इंडिया साउथ अफ्रीका के बीच में। 2022 हाल ही में हुआ था। पूछ सकता है कि जे एस सी ए स्टेडियम में कौन सा भी हाल ही में वनडे मैच कराया गया था? तो इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच में 2022 में ही हुआ था। ठीक है, चलिए अब टेस्ट भी पूछ, T20 भी पूछ सकता है। पहला T20 कब हुआ था? तो पहला T20 2016 में किसके बीच में? इंडिया और श्रीलंका के बीच में, इंडिया और श्रीलंका। तो कन्फ्यूज हो जाइएगा, देखिए कैसे पहले कौन आया था। देखिए पहले वनडे मैच ध्यान देना, पहले वनडे मैच हुआ था उस टीम का, वो 2013 में। किसके बीच में हुआ था वनडे? इंडिया और इंग्लैंड के बीच में। किसके बीच में? इंडिया और इंग्लैंड के बीच में हुआ था 2013 में वनडे मैच हुआ था। चलिए T20 कब हुआ था? 3 साल के बाद 16 में हुआ था T20, इंडिया और श्रीलंका के बीच में हुआ था। टेस्ट कब हुआ था? 1 साल के बाद 16 के बाद 2017 में टेस्ट हुआ था इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। बस 3 चीज़ याद रखना, इस्टेब्लिश 2011, इनोग्रेशन 2013 और ICC के द्वारा मान्यता प्राप्त 2012। इतना सवाल आपको याद रखना है। इसका कैपेसिटी कितना दोस्तों? 39,000 समथिंग, मतलब अप्रोक्स आप लोग 40,000 इसका कैपेसिटी मान के चल सकते हैं। ठीक है, कितना? अप्रोक्स 40,000, पूरा पूरा नहीं, मतलब 40,000 ऑप्शन में आएगा तो मार दीजिए, कोई ऑप्शन में आएगा 25,000, 35,000, 40,000 करके ऑप्शन में आएगा तो मार सकते हैं। ठीक है, 40,000 इसका कैपेसिटी है बैठने का। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ से सब क्वेश्चन आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, सब चीज़ निचोड़ निकाल दी यहाँ पे। ठीक है, जो जो पूछ सकता है, जहाँ फंस सकता है आदमी। देखो मेन में इसका अध्यक्ष पर जो तो एग्जाम के टाइम पढ़ ही लेता है। ठीक है, ये सब आपको बुक में थोड़ी मिलेगा कि पहला टेस्ट कब होता, पहला वनडे कब होता, पहला T20, ये सब नहीं पूछेगा एग्जाम ने, मतलब बुक में नहीं मिलेगा आपको, आपको बहुत निचोड़ करने के बाद ही देनी चाहिए। ठीक है, चले JIDCO, इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है इंडिया एग्जाम में। झारखंड इंडस्ट्रियल, देखिए झारखंड इंडस्ट्रियल, पहला इंडस्ट्रियल होगा फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, JIDCO का झारखंड इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। बोलिए एक बार साथ है, झारखंड इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। एक इसका स्थापना कब हुआ था दोस्तों? 2004 में। डायरेक्ट पूछ देगा, यही पूरा नहीं लिखेगा, लिख देगा ऐसे ही कि JIDCO स्थापना वर्ष कब है बताइए, ऑप्शन दे देगा 2000, 2001, 2004, 2003, तो कब हुआ था? 2004 में हुआ था, झारखंड इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन 2004 में हुआ था। JSEB, झारखंड स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है, झारखंड स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बताइए कब हुआ था ये? 2001 में। ठीक है, याद रखिएगा। JBVNL, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी, JBNL आपको नाम सुने ही होंगे आपको। ठीक है, झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड, झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड 2014। ठीक है, JBNL झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड 2014। JEC, झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल 1995, कब? 1995 शिबू सोरेन को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। ये क्वेश्चन JPSC में आ चुका है, झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल 1995, दिमाग में रखना, ये रट्टा मार लीजिए। 1995 अध्यक्ष कौन बना था? शिबू सोरेन जी। ठीक है, चलिए जोहार, यहाँ जोहार देखिए JOHAR नहीं है, JOHR सिर्फ है, ये फुल फॉर्म पूछ देगा आपको, क्या बोलेगा? झारखंड ऑर्गेनाइजेशन फॉर ह्यूमन राइट, एक जोहार अलग चीज़ होता है। ठीक है, ये अलग चीज़ है ये। ठीक है, झारखंड ऑर्गेनाइजेशन फॉर ह्यूमन राइट, झारखंड ऑर्गेनाइजेशन फॉर ह्यूमन राइट जोहार, याद रखना आपको, जोहार बोल सकते हैं इसको। RRDA का मतलब बताइए, रांची रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी, रांची रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी। BSD बिरसा सेवा दल, BSD बिरसा सेवा दल। JSLPS, इसका फुल फॉर्म आया हुआ एग्जाम में, ये कौन टीचर के एग्जाम में को आया था, PGT या TGT वाला था, ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन इसका फुल फॉर्म पूछा था, झारखंड स्टेट लेवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी, झारखंड स्टेट लेवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी। बताइए स्थापना वर्ष इसका, इंपॉर्टेंट है, 2009 में, झारखंड स्टेट लेवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी, झारखंड स्टेट लेवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी 2009। ठीक है, याद रखना। बोकारो थर्मल पावर स्टेशन BTPS, बोकारो थर्मल पावर प्लांट, ये सब बता चुके पहले भी सब चीज़। देखिए BIT रांची, बिट्स क्या नाम है, देखिए बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 1955 बता चुके हैं। CIT कैम्ब्रिज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रांची, CIT कैम्ब्रिज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। GWC रांची, गवर्नमेंट ओमेन कॉलेज रांची, चलिए सब कुछ है ना। NIFT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फॉर टेक्नोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फॉर इंस्टीट्यूट, ये 1966 में पुराना बहुत है ये।
नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर फाउंड्री एंड फोर्ज टेक्नोलॉजी, जो कि रांची में 1966 में ही इसका स्थापना हुआ था। ठीक है, चलिए रिम्स रांची इसके बारे में थोड़ा देखना पड़ेगा आपको। देखिए पहले क्या था, राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल, क्या नाम है, राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। ठीक है, राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। देखिए पहले जो पहले क्या था, RMCH था पहले इसका नाम, RMCH मतलब राजेंद्र मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, राजेंद्र मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। इसका कब 1960 से चला रहा था, कब 1960 में, राजेंद्र मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल 1960 में। इसको क्या किया गया कि कब इसको जानते हैं, 2002 में, 15 अगस्त डेट पूरा देखना है, 15 अगस्त 2002 में इसका क्या कर दिया गया, रिम्स के नाम से, RIMS। इसका मतलब क्या था, राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। ठीक है, राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ध्यान में रखना है। RMCH पहले कब था, RMCH 1960 में, कब था 1960 में, राजेंद्र मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। इसको क्या किया, 15 अगस्त 2002 को, कब 2002 को कन्फ्यूज मत होइएगा, 2002 को रिम्स कर दिया गया, रांची इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस 2002, 1960 और 2002 दोनों याद रखना। ठीक है, झारखंड एक्साइज लाइसेंस चले, उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, तो ठीक होता तो लगभग टॉप हम लोग 30 क्वेश्चन किए, टॉप 30 है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसे देख लीजिएगा, जौहर 1993 में, बताइए JVM का कब होता, 4 फरवरी 1973, याद रखना, JVM का 2006 में, JVM का बाबूलाल मरांडी, आजसु 1986, 22 जून 1986। ठीक है, चलिए और क्या बताए थे, ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे, 2006 में, ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट 2006 में। चलिए स्टेडियम के बारे में बताइए, साउथ ब्लॉक धोनी, नॉर्थ ब्लॉक अमिताभ कांत। पहला T20 कब हुआ था बताइए, पहला वनडे हुआ था 2013 में, किसके बीच में, इंडिया और इंग्लैंड के बीच में। ठीक है, ठीक है, चलिए 2013 के बाद 3 साल के बाद क्या होता है, T20 2016 में, किसके बीच में, इंडिया और श्रीलंका में। ठीक है, 1 साल के बाद 2017 में टेस्ट हुआ था, किसके बीच में, इंडिया और किसके बीच में, ऑस्ट्रेलिया। तो ODI हुआ था इंग्लैंड के बीच में, T20 हुआ था श्रीलंका के बीच में, और टेस्ट हुआ था ऑस्ट्रेलिया के बीच में, बस। और इसका जो इस्टेब्लिश हुआ था 2011 में, और ICC के द्वारा मान्यता प्राप्त 2012 में, इनोग्रेशन 2013 में। ठीक है, और इसका कैपेसिटी 40,000 का अप्रॉक्स में है। ठीक है, चलिए तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ऐसे छोटे छोटे वीडियो, एक एक क्वेश्चन बूंद बूंद से घड़ा पड़ता है, तो आपको बूंद बूंद का काम कर रहे हैं। ठीक है, जो रेगुलर बेसिस पे देखता है उसको फायदा होगा, बार बार बता चुके हैं, बोलने के बाद है ना, बाकी समय आएगा तो उसमें बात किया जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।